Hello everyone, welcome to Wikipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. Post Independence की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है और इनका रिकॉग्निशन जो हमें मिलता है ये हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में. बट इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू क्या था. ब्रिटिशर्स के टाइम पर ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल वर्क्स के लिए जो लैंग्वेज यूज होती थी ये थी इंग्लिश. फॉर एग्जांपल अगर सेंटर और स्टेट प्रोविंस जो थी उस टाइम पर हम बोलते थे कुछ कम्युनिकेशन होना है तो वो इंग्लिश में होगा. जुडिशरी की जो लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश थी. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अब इस बात पर डिस्कशन चल रहा था कि इंग्लिश को कौन सी इंडियन लैंग्वेज रिप्लेस करेगी. बिकॉज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो लीडर हैं चाहते थे ऑफिशियल वर्क इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, देन अब इंडिया की कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मेन कंटेंडर्स थी और ये रिप्लेस कर सकती हैं इंग्लिश को. इनके ऊपर डिस्कशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में. ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हिंदी, ठीक है, सेकेंड हिंदुस्तानी, नेक्स्ट थी उर्दू एंड संस्कृत. इसमें से आपको समझना, देखिए संस्कृत जो है ये कॉमन लैंग्वेज नहीं है, दैट्स व्हाई इसको छोड़ दिया गया. उर्दू, पाकिस्तान ने उर्दू को अडॉप्ट कर लिया था एज ए नेशनल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई उर्दू को भी साइड में कर दिया गया. अब बचती है हिंदी एंड हिंदुस्तानी. हिंदी एंड हिंदुस्तानी में डिफरेंस क्या है पहले समझिए. हिंदी जो है इसमें जो मेन वर्ड्स आते हैं आते हैं संस्कृत से, एंड हिंदुस्तानी में जो मेन वर्ड्स आते हैं ये आते हैं पर्शियन लैंग्वेज से. ओके, देन बाद में डिसाइड किया गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी होगी? देवनागरी, ये इसकी स्क्रिप्ट होगी. ओके फ्रेंड्स, देन आर्टिकल 343 ये आपको याद रखना है. आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. ओके, देन साथ में क्या ऐड किया गया? साथ में ये भी ऐड किया गया बिकॉज जो नॉन हिंदी एरियाज के लीडर्स थे वो हैप्पी नहीं थे, तो ये साथ में ये भी ऐड कर दिया गया कि 15 ईयर्स तक इंग्लिश भी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज की जाती रहेगी. ओके, 15 ईयर्स तक देन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड साथ में इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज एज ए यूज की जाती रहेगी. ओके, 15 ईयर्स कब कंप्लीट होंगे? तो 15 ईयर्स कंप्लीट होंगे 26th ऑफ जैन 1965. इस डेट के बाद हिंदी सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ओके फ्रेंड्स, अब फेज्ड मैनर में हिंदी को, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना था, उसमें वर्क बढ़ना था और इंग्लिश को धीरे धीरे जो है उसको साइड में करना था. ओके, हिंदी के सपोर्टर्स ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए. दूसरी तरफ जो नॉन हिंदी एरियाज के बंदे हैं वो नहीं चाह रहे थे कि हिंदी जो है वो रिप्लेस करे इंग्लिश को, बिकॉज उनको लगता था कि हायर एजुकेशन, जुडिशरी, अगर कम्युनिकेशन होगा हिंदी में तो वो डिसएडवांटेज पर रहेंगे. ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जैसे जैसे ईयर पास में आ रहा था 1965, हिंदी का अपोजिशन बढ़ता जा रहा था बिकॉज हिंदी के जो प्रोपोनेंट्स थे वो अपनी जील में कुछ इस टाइप के वर्क करते हैं. इसका रिएक्शन भी हुआ नॉर्थ इंडिया में, कुछ टाइप के वर्क हुए. फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई साइन बोर्ड है वो इंग्लिश में है तो उसको ब्लैक पेंट कर दिया गया, तो इसका रिएक्शन होने लगा था. ओके, जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझ रहे थे कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू आपको पता है वो चाहते थे कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बने और ये जो हमारी डाइवर्सिटी है ये उसकी पावर बने. देन जवाहरलाल नेहरू जो नॉन हिंदी एरियाज हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके जो वहाँ पर जो बंदे हैं उनको वो प्रॉमिस करते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है. ओके, और हम किसी भी ऐसे इशू को, ऐसी चीज को आपके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते. देन उसके बाद क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू एक एक्ट लेकर आते हैं और ये एक्ट पास होता है 1963 में. इसको बोला जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट. 1963 का एक्ट ये बोलता है कि आफ्टर 1965 इंग्लिश कंटिन्यू कर सकती है. ओके,
एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हिंदी होगी उसके साथ में फिर भी कंटिन्यू कर सकती है, बट जो वर्ड यूज किया गया था वो था मेल। दूसरी तरफ जो सदर स्टेट्स के जो लीडर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक पार्टी है डीएमके मद्रास की, ये डिमांड कर रही थी जो मे वर्ड है इसकी जगह होना चाहिए शेल। ओके, ये मेन प्रॉब्लम चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इस इशू पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट साथ में उन्होंने एक चीज की, उन्होंने बोला कि वो ये सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि हिंदी को एज ए ऑल्टरनेट लैंग्वेज बनाया जाएगा पब्लिक सर्विस एग्जाम्स के लिए। मतलब जो बंदे इंग्लिश में दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी भी आप जो है जो हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं उनके लिए ऑल्टरनेट लैंग्वेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां से रिएक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। ओके, बिकॉज साउथ के जो बच्चे हैं उनको लगा, स्टूडेंट्स को लगा कि अब वो क्या होंगे, तो वो डाउन जाएंगे और नॉर्थ वाले बंदे जो हैं वो पब्लिक सर्विस एग्जाम को ज्यादा क्लियर करेंगे तो उनको एडवांटेज मिलेगा। ये यहां से प्रॉब्लम आने लगी, वायलेंस अब होने लगा था मद्रास में और डीएमके इसको सपोर्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, अबाउट 78 करीब बंदे मारे भी गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आपका जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, बट इसी टाइम पर क्या होता है इंडो पाक इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वॉर हो जाती है, दैट्स व्हाई ये इश्यू थोड़ा डाउन चला गया। ओके, उसके बाद उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। अब आती है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनती है प्राइम मिनिस्टर 1967 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, एंड ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में आया था इसमें अमेंडमेंट लेकर आती हैं। तो 1967 में जो अमेंडमेंट आया 1963 के एक्ट में, वो क्या कहता है, वो कहता है जब तक नॉन हिंदी एरियाज, ठीक है, डिसाइड नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके, जब तक कंटिन्यू, मतलब वो चाहते हैं कि इंग्लिश कंटिन्यू रहे तो इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी, अगर वो अदरवाइज डिसाइड करते हैं देन फिर हिंदी आ सकती है। मतलब अब हमने डिसीजन छोड़ दिया था नॉन हिंदी एरियाज के ऊपर, दैट मींस आप समझ सकते हैं इनडेफिनिट पीरियड तक इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद ये इश्यू शांत होता है। ओके, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया गया 1967 में, कुछ इश्यू चलते रहते हैं बाद में, बट जो मेन इश्यू चल रहा था कहीं ना कहीं वो खत्म हुआ और साउथ के जो बंदे हैं, ओके, साउथ के जो लीडर्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं ना वो आराम से एक चैन की सांस लेना, वो होता है। ओके फ्रेंड्स, बट इस इशू ने हमें ये भी दिखाया कि हम डेमोक्रेटिक वे में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इंडिया की जो डेमोक्रेसी थी उसने अपनी पावर को दिखा दिया था। ओके फ्रेंड्स, इस इशू का एक आउटकम था, वो आउटकम ये था 1967 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी की हार होती है तमिलनाडु में और डीएमके की जीत होती है। सेकंड थिंग, इस इशू के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी साउथ में बढ़ गई थी, ये भी एक इसका फैक्ट है। ओके फ्रेंड्स, देन हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।